बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हिना सुहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिनास हेवन। हैं आज की डिश जो कि है यखनी पुलाव। इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले हम आधा केजी मटन का गोश्त लेंगे, जो कि आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है ताकि यखनी अच्छी सी आए, और आपने रूखा गोश्त नहीं लेना, और आपने जो है इसकी यखनी तैयार कर लेनी है। ये हमने आधा केजी चावल लिए हैं जो कि आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। ये हमने आलू बुखारे लिए हैं 5 से 6, अचार लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बादियान का फूल लिया है, और एक बड़ी इलायची ली है, आधा केजी दही ली है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक हसबे जायका, सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना, हरी मिर्चें 5 से 6। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद ज़ीरा इन सब को ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, टमाटर, एक पतीला लेंगे, उसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। पुलाव में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है क्योंकि उसका चावल एक एक खिला हुआ होना चाहिए, बाकी चावलों से थोड़ा सा ज़्यादा ही डलेगा। सबसे पहले उसमें हम थोड़ी सी प्याज फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्राइड प्याज हम अलग रख देंगे डेकोरेशन के लिए। फिर हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ कलर देना है। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी सौटे करना है इतना कि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर चम्मच की हेल्प से उन्हें मैश करना है। फिर इसमें हम वो तैयार पेस्ट डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरे का, जो हमने ब्लेंडर में बनाया था। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, आलू बुखारा डालेंगे और अचार डालेंगे, इसमें दही डालेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनेंगे। अब हम इसमें बॉयल मटन का गोश्त डालेंगे जो हमने यखनी में से अलग कर लिया था। इसकी हमने हड्डियाँ निकाल ली थी और साफ गोश्त डाला है इसके अंदर ताकि मुंह में हड्डी ना आए, वो बहुत बुरी लगती है। और अगर आपने हमारी ये मटन यखनी की रेसिपी देखनी है तो ऊपर आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, तो आप वहाँ जाके भी हमारी मटन यखनी की रेसिपी देख सकते हैं। अब गोश्त डालने, मसाले में गोश्त हम अच्छे से भुनेंगे ताकि गोश्त के अंदर भी मसाले का टेस्ट आए। इसको हम इतना भुनेंगे कि इसका ऑयल अलग हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, ऑयल अलग हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें अपनी तैयार यखनी डालेंगे और चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो डालेंगे। चावलों में पानी इतना होना चाहिए कि उससे 1 इंच ऊपर हो और चावल अच्छे से यखनी के अंदर डूब जाएं। और अगर आपको यखनी कम लग रही है और चावल ज़्यादा लग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और हमने अब तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि चावल ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज्ब नहीं कर लेते। जब चावल ज़्यादा पानी जज्ब कर लें, फिर आप चावलों के ऊपर ढक्कन रख के 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें, बिल्कुल हल्के चूल्हे पर।
ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी पुलाव हमारी तैयार हो गई है। एक एक चावल का दाना अलग और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल का एक एक दाना अलग है और बहुत मज़े की मज़ेदार खुशबू आ रही है। पूरा घर पुलाव की खुशबू से महक उठा है। लाजमन पड़ोसियों को भी खुशबू ज़रूर जा रही होगी इस मज़ेदार पुलाव की, जो कि मैं उन्हें ज़रूर दूंगी। और हमने पुलाव को डेकोरेट किया है सलाद के साथ। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करती रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।